top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. Especially the nursing, doctors, everybody. तो ये बहुत बड़ा ये तरीका है, अच्छा और सस्ता, हम इन्फेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं. तो सबसे बड़ा जो सीरियस कंसर्न इस टाइम है हॉस्पिटल क्वालिटी. डॉक्टर पेशेंट दोनों बिल्कुल का, क्योंकि जो इन्फेक्शन है ये सिर्फ मरीज को इनने ही एक से दूसरे फैलता. हॉस्पिटल स्टाफ भी तो उतने ही सेम मरीज उन्हें भी तो है, डॉक्टर भी नहीं और बाकी स्टाफ इवन विजिटर के हॉस्पिटल में आ रहे हैं, अटेंडेंट्स हैं, वो भी इक्वली दे आर एक्सपोज टू द सेम सिमिलर रिस्क. तो ये जरूरी है और हमें जो है और ये एक मैसेज समाज में देना है. स्पेशली जैसे एग्जाम्पल इन्होंने क्लू कर दिया डॉक्टर ने, ऐसे हर चीज का जो कि एयरबॉर्न है या चुहा छूत दूसरी बीमारियां हैं वो पूरा पब्लिक पूरा सहयोग करे. जैसे किसी को फ्लू है या बहुत खांसी जुकाम हो रहा है वो बेटर रहता है कि उन दिनों में घर के अंदर कंफाइंड रहे और ज्यादा क्राउडेड प्लेसेस में ना जाए. या बच्चों को हो रहा है तो स्कूल में क्लास में वो एक दो दिन जो है जब तक कि उसको बहुत ज्यादा खांसी है या फ्लू है या कोई और है तो वो बेहतर है कि घर में ही बच्चा. क्वालिटी सिस्टम है, अश्योरेंस सिस्टम है या नहीं, सर्टिफिकेशन जो डिफरेंट है, कैलिब्रेशन ऑफ द इक्विपमेंट होना चाहिए तभी तो रिजल्ट ठीक ठाक आएंगे. क्योंकि आजकल जो है इन रिजल्टों से लैब टेस्टिंग काफी हेल्प की जाती है डायग्नोसिस के लिए और इलाज के लिए. तो ये बहुत जरूरी है कि जो टेस्ट रिपोर्ट आ रही है वो उनके क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम प्लेस. अगर मेरे को 10 वो अंडा वर्सेज शुगर, दुनिया टाइम से चले आ रहे हैं मीट मत खाओ, दुनिया टाइम से चले आ रहे हैं अंडा मत खाओ, हमेशा जो है चला आ रहा है. नाउ वी हैव शिफ्टेड टू शुगर मत खाओ, द पैराडाइम शिफ्ट इज शुगर. नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अंडा, कोई अंडे के बारे में बात नहीं करता खाना है कि नहीं खाना. वी आर टॉकिंग अबाउट शुगर. दैट्स ए न्यू थिंग. शुगर इज हार्मफुल. दूसरा नई बीमारी है टाइपस. अंडा नहीं शुगर. आपकी हेडलाइन यही है. दूसरा टाइफस ये नई बीमारी है जिसके बारे में मीडिया बहुत ज्यादा नहीं लिख रहा. ये नई बीमारी है और करीबन गोरखपुर में जो बच्चे मर रहे हैं 20% इससे मर रहे हैं. टाइफस क्या होगा, टाइफस को कैसे बचा लेंगे? टाइफस के मर में टाइफस की जो बीमारी है वो है कि ये पैर में काटता है. इसके तो मान लो ये पैर है तो इसमें आपने काट दिया तो ये लाल हो जाएगा और उस लाल के अंदर में इसके लोग कहते हैं ना कि मच्छर ने काट लिया, ये कीड़े ने काट लिया. और अगर किसी ने काटा और इसके बीच में काला निशान है वो टाइफस है. सो अगर बीच में काला निशान है लाल के अंदर में पैर में तो वो टाइफस है और वो नई बीमारी है. इसके बारे में जागरूकता करना बहुत जरूरी है और आप देखेंगे नेक्स्ट एक साल तक सब जगह पे टाइफस होगा. ये दूसरी चीज है टाइफस. मच्छर काटने से हो रहा है या कीड़ा? मच्छर नहीं होता, ये रिकर्शियल अलग चीज है. पैर में होता है? पैर में होता है? नहीं, जहां भी एक्सपोज है पैर में ज्यादा होगा ना. जो एक्सपोज एरिया पैर में ही है ज्यादा होगा. या तो जमीन में बैठे हाथ पे काम कर रहे हो तो हाथ में हो जाएगा. जमीन से पिछले कुछ समय से ज्यादा किसी साथ मच्छर नहीं तो क्या है सर? रिकर्शियल. क्या है सर? रिकर्शियल जैसे टिक्स होती है ना. टिक्स होती है जैसे ये उसी ग्रुप का है. टिक्स होती है ना जो खटमल टाइप का. अच्छा जमीन का कटवा समझ लो. जहाँ पैटी फार्मिंग जहाँ जहाँ ये पैटी फार्मिंग है वहाँ ज्यादा इंसिडेंस है. तीसरा डेंगी. डेंगी के अंदर में पैराडाइम पैटी फार्मिंग. डेंगी में पैराडाइम शिफ्ट क्या है कि फॉल ऑफ प्लेटलेट विद राइज ऑफ हिमेटोसिस. अगर दोनों नहीं है तो कुछ नहीं करना. प्लेटलेट के कम होने के साथ साथ हिमेटोक्रिट बढ़ना चाहिए. अगर हिमेटोक्रिट नहीं बढ़ रहा, प्लेटलेट 5000 में मिल जाए तो कुछ नहीं करना. सो फॉलो प्लेटलेट विद राइज ऑफ हिमेटोक्रिट. हिमेटोक्रिट का राइज का मतलब है खून कितना गाढ़ा हो रहा है. अगर प्लेटलेट कम हो रहे हैं तो खून पतला होना चाहिए. फिर जब प्लेटलेट कम होंगे तो खून पतला होगा. कि प्लेटलेट तो कम हो रहे हैं लेकिन खून गाढ़ा हो रहा है वो इमरजेंसी है. खून पतला होना इमरजेंसी नहीं है क्योंकि प्लेटलेट तो एस्पिरिन से सब लोगों का पतला करते हैं, हार्ट के पेशेंट्स का. ये तीसरा. चौथा फ्लू का मैंने आपको बता दिया. एंटीसेप्टिक एंड नो एंटीबायोटिक.
फ्लू के अंदर में पैराडाइम शिफ्ट इज एंटीसेप्टिक नो एंटीबायोटिक. सो एंटीसेप्टिक नो एंटीबायोटिक. देन बुखार विद, अगर कहीं पर भी बुखार हो और साथ में आप बड़बड़ा रहे हो तुरंत अस्पताल पहुंचो. इंसेफ्लाइटिस, अगर आप होश में नहीं हो, बड़बड़ा रहे हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो तो अस्पताल पहुंचो. इंसेफ्लाइटिस एक ही पॉइंट है उसके साथ में. टीबी के ऊपर में आजकल नया क्या आ गया है, टीबी के अंदर में ये स्पूटम टेस्ट एएफबी का हम नहीं कर रहे हो. जो कहते हैं कि अपने थूक के बलगम की जांच कराओ, अब हम कर रहे हैं जीन एक्सपर्ट टेस्ट, जिससे ये पता लगे कि टीबी दवाइयों से रेजिस्टेंट है कि सेंसिटिव है. तो रूटीन टेस्ट खत्म हो गया है, अब हम बात कर रहे हैं जीन एक्सपर्ट. तो अब ये अवेयरनेस क्रिएट करनी है कि सिंपल जांच नहीं करनी, और जीन एक्सपर्ट सरकार भी कर रही है, खर्चा नहीं लग रहा है इसके साथ में. जो इसके बाद में पेशेंट डॉक्टर डिस्प्यूट के अंदर में हम एक हमारी नई एडवाइजरी इशू हुई है, हमारी नई एडवाइजरी इशू हुई है कि अगर आपको अपने डॉक्टर से कोई शिकायत है तो डॉक्टर के पास वापस जाएं. जैसे हाई कोर्ट में सेम जज पे रिव्यू होता है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके डॉक्टर से आप नाराज हैं, उसी डॉक्टर के पास वापस जाएं और कहें कि मैं आपसे सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे सेटिस्फाई करो. अगर वो फिर भी नहीं करता देन यू आर एट लिबर्टी टू गो एनीवेयर. तो ये हमारी नई एडवाइजरी है, नई कैंपेन है, उसी डॉक्टर के पास में वापस जाओ. नेक्स्ट हमारे पास में आई है कंसेंट के ऊपर में. आजकल जो नई कंसेंट मेडिकल प्रोफेशन की पास हुई है उसके अंदर में आपको डिटेल्स में बताना है कि क्या क्या हो सकता है. आपको पेशेंट को बताना है कि मेरे खर्चे में क्या क्या होगा, मरने के चांसेस क्या हैं, कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस क्या हैं, अनटूवर्ड इंसिडेंसेस होने के चांसेस क्या हैं, और अगर तेरे को मिसहैप हो गया, जैसे लाइट फेल हो गई, इलेक्ट्रिकल फेलियर हो गया, अगर कोई मिसहैप हो गया तो तेरा कंपनसेशन तेरे को कितना मिल सकता है, ये सारा कंसेंट में आना चाहिए. ये हो गए 9 पॉइंट. और दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि आज की डेट में जो नेक्स्ट 2 साल तक सारा काम होगा वो होगा एएमआर पे, एंटीबायोटिक मिसयूज के ऊपर. तो एंटीबायोटिक्स का मिसयूज ना करो, इसके ऊपर में बहुत बड़ी कैंपेन करेगी. ये 10 पॉइंट पे हम अपने मेले को फोकस करेंगे.